हमारे साथ मोए मोए हो गया। अब बाकी हुसैन बताएगा क्या। फाइनली हम पहुंच गए हाजी सलाहुद्दीन अली बिरयानी वाले के पास। टेस्ट वगैरह कैसा है? भाई कैसा टेस्ट है उन्हें हुसैन? अभी चेक कर रहा हूं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब कैरियत से होंगे। तो आज का हमारा प्लान है अलीम बिरयानी खाने जा रहे हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, टिकटॉक वगैरह पे भी बहुत मशहूर है। और अभी हमारे साथ है अरमान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हारिस कहाँ है यार? हारिस को जाना है शॉपिंग करने। हाँ, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। इसलिए हारिस से भी मैंने पूछा, आपसे भी मैंने पूछा, आपका तो डन आ गया। हारिस बोला मुझे शॉपिंग करने जाना है। मैंने क्या बोलूं, हारिस के बदले हुनैन को लेने के लिए आए। हुनैन को लेने के लिए आए, हुनैन अभी तक नहीं आया, गेट के बाहर खड़े हैं। मैंने उसको बोला था पानी लिया है, पता नहीं कुएं से तो नहीं निकाल। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। चलो फिर यार हुनैन आते हैं, फिर हुनैन आते हैं, फिर निकलते हैं यार। माशाल्लाह से हुनैन भाई भी आ गए। हुनैन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? कैसे हो भाई? चलें फिर। पहले जगह तो देख लो, जगह तुम्हें पता नहीं है, रास्ता भाई, रास्ता तो किसी को भी नहीं पता भाई। चलो ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो देख रहा, चलो बिरयानी अलीम खाने। हुनैन बस रास्ता देख रहा है, फिर चलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हाजी सलाहुद्दीन अली बिरयानी वाले के पास। उधर और अरमान भाई हम लोग आ चुके हैं हाजी सलाहुद्दीन के पास। ये हलीम और बिरयानी अब खाएंगे, अब देखेंगे टेस्ट कैसा है। चलो हुनैन भाई तो वहाँ पे मतलब घर से मैसेज वगैरह आ रहे हैं, वहीं से बिजी है। हमारे साथ मोए मोए हो गया। अब बाकी हुसैन बताएगा क्या हुआ है। हुसैन क्या हो गया हमारे साथ? सलाहुद्दीन के पास आए थे। हाँ, दो बजे वो बोल रहे हैं खत्म हो गया है, यहाँ पे सिर्फ अलीम बचा है, अलीम बचा है, खत्म हो गया। जो हम लोग खाने आए थे वो तो है ही नहीं। अब वो है, अब क्या करें? उधर दो और भी हैं अलीम बिरयानी। अच्छा, वाले ये नहीं हो पहुंचते पहुंचते वो वाला भी खत्म हो जाए, फिर चलते हैं। चल यार फिर चलते हैं भाई। फाइनली हम आ गए यहाँ पे, एक है बुलंद अलीम वाला और दूसरी तरफ है रेहान शिकरा और बाकी है बुलंद। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी रश बहुत है। बिरयानी भी आ गई है भाई। भाई पान मंडी में ये किस तरफ है? ये पान मंडी में आपको पड़ेगा सिटी कोर्ट वाली गली में, आ जाओगे सिटी कोर्ट वाली गली में। हाँ, सिंपल सा रास्ता है सिटी कोर्ट वाली गली में, पान मंडी में। सही। अलीम वगैरह गाने स्टार्ट हो गई। अरमान भाई, अरमान से पूछना चाहिए कि ऐसा टेस्ट वगैरह। अरमान टेस्ट वगैरह कैसा है? फिर मैं भी है, कुछ नई चीज खा रहे हो? नई चीज खा रहे हो? अलीम में ऐसा लगता है कुछ नई नई चीज बनी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल आप खाओ फिर। भाई मैंने तो खा के देख लिया था, मुझे तो कुछ नया टेस्ट लग रहा था, क्योंकि बिरयानी हलीम का कुछ कॉम्बो बना है, कुछ न्यू टेस्ट बना है, मुझे तो समझ में नहीं आया टेस्ट। बस सही है, एवरेज है, बस इतना अच्छा नहीं है। आप बताओ आपको कैसा लगा? यार देखा जाए तो जायका अच्छा है, और बाकी मीट वगैरह ना वो भी जबरदस्त टेस्ट। अच्छा, और बाकी इसका अच्छा बिरयानी का भी टेस्ट अलग है, हलीम का भी टेस्ट अलग है ना, वाकई में सच बात है। और भाई हम लोगों ने बिरयानी हलीम बिरयानी तो खा ली थी, अब इनका ही बुलैन का ये खाने आए हम लोग बर्गर। इनका बहुत पुराना बर्गर है, बदियरा बर्गर। इनसे पूछते हैं भाई कब से बना रहे हैं आप लोग? 1983 से बना रहे हैं। अब इनका बर्गर खाते हैं, किस तरह है देखते हैं, बाकी फिर आपको बताते हैं। बाकी हुसैन से पूछते हैं कैसा टेस्ट है,
अब मैं भी फर्स्ट टाइम खाऊंगा, ये हुसैन भी, हुनैन भी फर्स्ट टाइम ही खाएगा। उन्हें भाई कैसा टेस्ट है हुसैन? अभी चेक कर रहा हूं, हुनैन ने खा लिया उसका। बताओ कैसा टेस्ट है? अच्छा 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 टेस्ट है। अब अरमान से पूछते हैं, अरमान टेस्ट वगैरह चेक करके बताओ कैसा है। तोड़ लूँ मैं? हाँ तोड़ लो तोड़ लो। अच्छा है ये आम बर्गर वालों में तो नहीं लग रहा, लग लग रहा है इसका। हुसैन से टेस्ट पूछे, हम लोगों ने बर्गर भी खा लिया और हलीम बिरयानी भी खा लिया। हाँ हुसैन टेस्ट कैसा था? टेस्ट इसका अच्छा था, मुझे कबाब इतना मज़ेदार नहीं लगा, बाकी चटनी वगैरह और सब टाइप। और हलीम और बिरयानी? हलीम बिरयानी भी अच्छी थी यार, यार हलीम बिरयानी भी सही थी, अच्छी थी। एंड टाइम में मैंने जब मिक्स करके खाया ना, मुझे भी अच्छी लगी, सही लगी, कुछ अच्छी कुछ यूनिक टेस्ट आ रहा था यूनिक। और कबाब, हाँ ये हुसैन से ही बोला, कबाब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। अब बन बन चटनी वटनी तो उसकी वीआईपी थी, उसका कबाब थोड़ा सा अच्छा नहीं था। बाकी आइसक्रीम आ चुकी है। हाँ हुसैन भाई खाई आइसक्रीम? चेक करो अब आप खाओ तो अच्छी है। उन्हें साहब तो मसरूफ है, बाकी टेस्ट तो अच्छा है यार इसका। टेस्ट का नाम क्या था? वफ़ल्स। मतलब ये खा वा के मिलते हैं आपसे। हम लोग आ चुके हैं हुसैन को छोड़ने, हुनैन को तो छोड़ दिया था पीछे, हुसैन को छोड़ दिया था और वो हुनैन को छोड़ दिया था, हुसैन को भी छोड़ रहा। हाँ भाई हुसैन क्या करें आप? चलो यार फिर घर घर निकलते हैं अभी। टाइम क्या हो रहा है? कॉल आ रही है आपके घर से। हाँ मेरे घर पे घुमा दी, वैसे तेरे घर पे आ रही थी। क्या टाइम हो रहा है वैसे? टाइम वैसे 3:30 हो रहे हैं। बस 3:30 हो रहे हैं, बस अब घर घर पे चलते हैं क्योंकि सहरी का भी टाइम हो रहा है। वैसे तो सहरी कर लिया, अब हल्की बहुत खाएंगे, लस्सी वस्सी पियेंगे। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन लाजमी दबा रहे यार। इनका क्या करें, सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप, क्या करें। और बाकी अब ईद पे आएगा ब्लॉग, क्योंकि अब तो ईद पे आएगा, ये भी एहतिकाफ में बैठ रहा है। हाँ मैं भी एहतिकाफ में बैठ रहा हूँ, बाकी अब ईद पे आएगा, ईद पे। और बाकी आपको मिलते हैं ईद पे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और आज नहीं तो कल। कि यार SMS देना था हमें, और अब हुसैन आ गया, हुसैन स्टार्ट करेगा। भाई ये रमज़ान तो ऐसे चला गया जब पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी चला गया, बहुत जल्दी बात। तो यार इस रमज़ान में दुआओं में याद रखें, आखिरी शरह के 3 दिन बचे हैं, बस 3 दिन बचे हैं, तो आप दुआओं में याद रखें, हम भी आपको याद रखते हैं। तो अरमान भाई आप भी कुछ बस नहीं? यार आप भी आखिरी के 3-4 रोज़े बचे हैं, इसमें भी आप दुआओं में याद रखें, और बाकी की भी दुआओं में याद रखें, और ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हमारा भी ब्लॉग देखते रहें, ब्लॉग के लिए भी दुआ करते रहें, बस बस। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ।